अब मैंने बोला चार्ज कभी एयर में नहीं रह सकता, चार्ज हमेशा किसी कंडक्टर के सरफेस पे ही जाता है। अब इस शेल की बात करें तो इस शेल के दो सरफेस हैं, एक सरफेस है अंदर का और एक सरफेस क्या है बाहर का है। तो जब मैं क्यू चार्ज को दूंगा तो ये क्यू चार्ज कहां जाएगा, अंदर के सरफेस पे कि बाहर के सरफेस पे? तो अगेन इसको समझने के लिए फिर से इस तरह से गॉसियन सरफेस ड्रॉ करो। तो फिर से यहां पे ड्रॉ करो एक गॉसियन सरफेस। अच्छा, अब ये गॉसियन सरफेस कहां पे है? ये गॉसियन सरफेस इनसाइड कंडक्टर है। इसका मतलब है कि इस गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पे ई नेट क्या है, जीरो है। अब प्रॉपर्टी हमें क्या मालूम है कि जो भी टोटल फ्लक्स है उसको हमने बोला ई नेट डॉट डी ए किसके बराबर, वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्यू इन। ई नेट हर जगह जीरो है, इसका मतलब टोटल फ्लक्स लिंक विद दिस क्लोज गॉसियन सरफेस जीरो ना चाहिए। टोटल फ्लक्स अगर जीरो होगा तो क्यू इन भी वहां पे क्या हो गया, जीरो हो गया। इसका मतलब है कि इस गॉसियन सरफेस ने कोई चार्ज इनक्लोज नहीं किया। अब बताओ चार्ज अगर अंदर वाले सरफेस पे नहीं है तब चार्ज कहां जाएगा? चार्ज हमेशा केवल सरफेस पे जाता है, तो अंदर वाले सरफेस पे अगर चार्ज नहीं आया तो इसका मतलब है कि चार्ज कहां गया, चार्ज गया बाहर वाले सरफेस पे। समझ में इतना? अच्छा फिर से देखो, यहां पे यही तुम्हारा शेल है, शेल का अंदर वाला पोर्शन खाली है। अब हम क्या करते हैं, अब हम शेल के सेंटर पे, शेल के सेंटर पे हम एक चार्ज को लाके फिक्स कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं या प्लेस कर देते हैं। अब बताओ अगर मैंने सेंटर पे यहां कहीं चार्ज को लाके प्लेस किया है तो तब होगा क्या? जैसे ही हम चार्ज को लाके प्लेस करेंगे तो इस चार्ज की वहां पे क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। जैसे ही हम चार्ज को लाके प्लेस करेंगे तो इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स ऑपोजिट अप्लाई कर रही होगी, या फिर इसको हम ऐसा ही बोल सकते हैं कि ये जो क्यू चार्ज पॉजिटिव है ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और इलेक्ट्रॉन को जब खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन पास आने की कोशिश करेंगे तो इस सरफेस पे चार्ज नेगेटिव आ जाएगा। अब बताओ ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन भी है कि नहीं है? कि पॉजिटिव चार्ज को यहां पे लिखा तो उसने इलेक्ट्रॉन को खींचा तो उसके कारण यहां पे नेगेटिव चार्ज आ गया। फिर क्या लिखवाया था, जितने इलेक्ट्रॉन अंदर की ओर गए उसके कारण उतना ही अमाउंट का बाहर चार्ज आ गया। और बताओ अब ये चार्ज क्या होगा, ये चार्ज मेरा पॉजिटिव होगा। अच्छा ये चार्ज अगर माइनस क्यू है तो ये चार्ज तुम्हारा प्लस क्यू होगा। देखो है कि नहीं, जितने इलेक्ट्रॉन अंदर गए उसके कारण उतना ही चार्ज वहां पे बाहर क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया। अब मान लो मुझे ये क्यू की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। मुझे अगर समझना है कि ये क्यू चार्ज कितना है तब कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जो भी शेल है शेल की कुछ थिकनेस है, फिर से हम उस मेटल के अंदर एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर रहे हैं। अब जब ये गॉसियन सरफेस ड्रॉ करोगे तो हर पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, जीरो। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, फ्लक्स भी हो जाएगा वहां पे जीरो। फ्लक्स किसके बराबर होता है, वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स नेट चार्ज। अब देखो जरा ये जो डॉटेड लाइन है इसने कितना चार्ज इनक्लोज किया है, तो इसने टोटल चार्ज इनक्लोज किया है q माइनस क्यू, ये जीरो के बराबर है तो स्मॉल q किसके बराबर आ गया, प्लस q के बराबर आ गया। और ध्यान है केवल मैग्नीट्यूड है, साइन तो हमें ऑलरेडी मालूम है। तो अब तुम क्या बोलोगे, अब तुम बोलोगे कि जो भी चार्ज आता है इस पे चार्ज आता है यहां पे माइनस क्यू और इस पे चार्ज आ गया कितना, प्लस क्यू। क्लियर? तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अगर समझना है तो इस तरह से हम गॉस थ्योरम को वहां पे क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। फिर से नेक्स्ट डायग्राम देखो वहां पे।
अब नेक्स्ट डायग्राम में हम लोग क्या कर रहे हैं, तीन शेल ले रहे हैं। यहां पे है एक शेल ए, फिर यहां पे एक शेल ले रहे हैं बी, फिर यहां पे एक शेल ले रहे हैं और ये शेल मेरा वहां पे क्या है, सी है। तो अब हमारे पास तीन शेल हैं और ये तीनों ही मेरे यहां पे क्या है, कंडक्टर है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, अब मैं तुमसे बोलता हूं कि शेल ए को हमने चार्ज दिया है क्यू, जो शेल ए है इसको हमने चार्ज कितना दिया, क्यू। अच्छा, शेल बी को मैं चार्ज देता हूं माइनस टू क्यू, और शेल सी को मैं चार्ज देता हूं प्लस फाइव क्यू। तो हमारे पास तीन यहां पे क्या है, कोसेंट्रिक शेल है, तीनों के सेंटर कोइंसाइड कर रहे हैं। एक शेल को हमने चार्ज दिया है क्यू, दूसरे शेल को चार्ज दिया है माइनस टू क्यू, और तीसरे को हमने दिया है फाइव क्यू। जब भी हम क्वेश्चन में इस तरह से लिखते हैं, इसका मतलब है कि नेट चार्ज है। ए पे जो नेट चार्ज आएगा वो क्यू आएगा, बी पे नेट चार्ज माइनस टू क्यू आएगा, सी पे नेट चार्ज फाइव क्यू आएगा। नेट चार्ज का मतलब हुआ बाहर के सरफेस का चार्ज और अंदर के सरफेस का चार्ज, दोनों को वहां पे क्या कर दो, ऐड कर दो, तो वहां पे हमें नेट चार्ज मिलना चाहिए। अब हमें बताना है कि अगर इन तीनों शेल को हमने ये चार्ज दिया है तो ये चार्ज किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अब सबसे पहले हमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन समझना है। अब देखो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे समझोगे, तो सबसे पहले यहां पर तुम इस शेल ए को कंसिडर करो जरा, अब बताओ जो शेल ए रहेगा जो भी शेल ए है, शेल ए की अब यहां पे क्या है, कुछ थिकनेस है, तो यहां पे शेल ए है और शेल ए की यहां पे क्या हो गई, थिकनेस है। अब इस शेल के अंदर हमने यहां पे क्या किया, इस तरह से एक गॉशियन सरफेस ड्रॉ किया। जो भी शेल है, शेल की कुछ ना कुछ थिकनेस है। तो अब मैं क्या बोल रहा हूं, इस शेल के अंदर हमने गॉशियन सरफेस ड्रॉ किया, अब तुम क्या बोलोगे, अब तुम बोलोगे कि ये जो गॉशियन सरफेस है, ये गॉशियन सरफेस इनसाइड कंडक्टर है, तो हर पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। अब ई नेट को वहां पे क्या कर दो, जीरो कर दो। बताओ ई नेट अगर जीरो होगा हर पॉइंट पे, इसका मतलब फ्लक्स भी क्या हो गया, जीरो। फ्लक्स अगर जीरो हो गया, इसका मतलब है कि इस गॉशियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं रह सकता। इसका मतलब है कि जब भी हम शेल ए की बात करेंगे, इसका जो भी चार्ज रहेगा वो कहां जाएगा, बाहर वाले सरफेस पे जाएगा। तो शेल ए को जो हमने क्यू चार्ज दिया है, वो क्यू चार्ज अंदर नहीं होगा, वो कहां होगा, वो होगा उसके आउटर सरफेस पे। तो इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, ए के बाहर पे चार्ज कितना है, क्यू। अब मुझे B पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन समझना है, तो कैसे समझे वहां पे, तो अब इस तरह से इमेजिन करो कि ये B शेल है, ये तो हो गया A। A के आउटर पे चार्ज कितना है, A के आउटर पे चार्ज Q था। अब हमें बताना है कि B के इनर पे कितना है, B के आउटर पे कितना है। तो अब इस प्रॉपर्टी को यूज करो जरा, अगेन फिर तुम यहां पे गॉशियन सरफेस ड्रॉ करोगे, टोटल फ्लक्स जीरो है। अब बताओ इस गॉशियन रीजन से लिंक टोटल फ्लक्स जीरो है, तो इसका मतलब क्यू इनसाइड भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अब क्यू इनसाइड जीरो कैसे होगा, अभी तो जीरो है नहीं, अभी तो टोटल चार्ज क्यू है। इसका मतलब है कि यहां पर अगर क्यू चार्ज है तो यहां पर माइनस क्यू चार्ज आना चाहिए, तभी इन दोनों का सम मिलकर क्यू इनसाइड क्या करेगा, जीरो करेगा। इतना तो अब यहां पे चार्ज आ गया माइनस क्यू। मैंने तुमसे क्या बोला,
इनर और आउटर के चार्ज को ऐड करोगे तो हमें टोटल चार्ज मिलेगा। तो बी पे टोटल चार्ज माइनस टू क्यू है, तो इनर पे अगर माइनस क्यू है तो बाहर वाले पे भी क्या होगा, माइनस क्यू आ जाएगा। देखो है कि नहीं वहां पे। तो ए पे चार्ज आया क्यू, बी पे चार्ज आया अंदर माइनस क्यू, बाहर क्या आ गया, माइनस क्यू। अब हम बात कर रहे हैं सी की। अच्छा सी पे चार्ज कैसे कैलकुलेट करोगे, तो फिर से डायग्राम देखो यहां पे, ये हो गया सी। अब जब डायग्राम ड्रॉ करूंगा तो यहां पे मैं शो करूंगा ए, ए पे चार्ज क्यू, फिर यहां शो करूंगा बी, इस पे चार्ज माइनस क्यू, इस पे चार्ज माइनस क्यू। अब फिर से जो गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया है उसके लिए टोटल फ्लक्स जीरो, तो क्यू इनसाइड जीरो होना चाहिए। बताओ क्यू इनसाइड जीरो है क्या, यहां पे क्यू माइनस क्यू, यहां पे माइनस क्यू, तो यहां पे क्या आना चाहिए। अब बताओ इस गॉसियन सरफेस ने टोटल चार्ज कितना इनक्लोज किया, टू क्यू माइनस टू क्यू, क्या हो गया, जीरो हो गया। इसका मतलब है कि इस पे चार्ज आया क्यू, टोटल चार्ज 5q है, इसका मतलब बाहर वाले पे चार्ज कितना गया, 4q गया। क्लियर। तो अगर मुझे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन समझना है तो इस तरह से वहां पे हम गॉस थ्योरम को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। क्लियर है ना। अब चाहो तो तुम एक एग्जांपल में और ले लेता हूं यहां पे। जैसे देखो मान लो यहां